हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे चैनल IRN टेको। तो मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग बारे। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर तो मैं आपको व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सएप को ओपन करें। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हम ये 3 डॉट आइकन को क्लिक करेंगे। करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने चैट हिस्ट्री में आना है। तो मैं आप जो चैट हिस्ट्री में बताऊंगा कि आप जो आपकी चैट जिससे करते हैं ये चैट मैसेज वगैरह, तो वो आपसे डिलीट हो जाते हैं, तो आप बैकअप कैसे लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा आप बैकअप हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ चैट पर क्लिक करें। चैट पर क्लिक करने के बाद आपने बैकअप चैट बैकअप पाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं। बैकअप के बारे में, बैकअप टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। कब? डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। आप नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लेना है अब हफ्ते का ले लें, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने मंथली क्लिक किया, ठीक है। आप अपने गूगल के ज़रिए भी ले सकते हैं, ईमेल के ज़रिए। जो आपका ईमेल है वो आप देकर भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी ऑप्शन रख सकते हैं कि ओनली आप वाई फाई पर ही बैकअप लेना चाहते हैं, मोबाइल डाटा पर नहीं लेना चाहते। आप कभी कभार अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करवाते हैं, आपका डाटा पैकेज नहीं होता, तो आपका खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ही बैकअप आना शुरू हो जाता है, आपके बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो इससे आपको माली नुकसान भी होता है। तो आप इसको वाईफाई क्लिक कर रहे हैं। इंक्लूड्स वीडियो, अगर आप उसके अंदर वीडियो भी बैकअप लेना चाहते हैं तो इसको भी क्लिक कर दें। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। आप बैकअप लेने यहाँ पे बैकअप क्लिक करें, आपका बैकअप आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप कोई वॉलपेपर वगैरह चैट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, वॉलपेपर यहाँ से लगा सकते हैं हम। ये देखें, ये वॉलपेपर जैसे लगाने हैं, ठीक है। चैट हिस्ट्री देख सकते हैं, ये देखें, क्लियर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। ये थी हमारी इम्पोर्टेंट सेटिंग। और नेक्स्ट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी मोबाइल में इंस्टॉल लोड करवाते हैं तो आपका डाटा या यूं ही ऑन करते हैं तो आपका व्हाट्सएप चीज़ें जो होती हैं सेंड हुई होती है, वीडियो फोटोज़ जो भी होता है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग, तो यहाँ पर ऑटो डाउनलोड लिखा हुआ है। तो इस पर देखें व्हेन यूज़ मोबाइल डाटा, तो आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते, फोटो भी कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप ऑफ, सब को ऑफ ही रहने दें, ओके कर दें। ओनली वाईफाई, और वाईफाई पे कनेक्ट करना, जब आप सब अब मोबाइल वाईफाई कनेक्ट हो तब आप फोटो भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो, ऑडियो वीडियो ये भी आप कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, इससे आपको माली नुकसान भी नहीं होगा। तो ये था। और आपको ये भी पता चल सकता है कि आपके पास कितनी स्टोरेज है, कितना डाटा, कितने मैसेजेस कहाँ पर किससे आए, उसके बाद कितना डाटा, हर एक की चैटिंग का डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड इम्पोर्टेंट सेटिंग हमारे पास व्हाट्सएप की है, यही है कि हम अपने व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर दो तरीक़ों से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप दो तरीक़ों से, दो ऐप्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, दरमियान में मत छोड़िएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपने मोबाइल के ऐप्स पर जाते हैं, देखते हैं। ये देखें हमारे पास दो तरह के ऐप्स हैं, एक मेरे पास VBA बिजनेस व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप है। इससे हम बिज़नेस के काम के लिए कर सकते हैं और इससे हम जो अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी को मोबाइल या किसी अदर कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखें व्हाट्सएप वेब, तो ये आप ये QR कोड यहाँ पे आएगा, उसको आप जिसका होगा वो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, ये सिम कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेटिंग्स पर आएँ और ये देखें कि QR कोड ये है,
अब अगर आप किसी फ्रेंड्स के मोबाइल पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ये स्कैनिंग कोड ये ओपन करें और यहाँ पर ला के इसको स्कैन करें तो आपका QR कोड यहाँ पे अटैच हो जाएगा और उसके मोबाइल पर आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा। अगर आप किसी का व्हाट्सएप अपने मोबाइल पर ऑन करना चाहते हैं उसका QR कोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और उसका व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर भी लिखे होते हैं, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपना नंबर भी लिखा होता है, आप वो नंबर किसी को ना दीजिएगा वरना आपका व्हाट्सएप का पूरा डाटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। अगर आपका कहीं शॉप है आपकी तो आप भी शॉप वगैरह पे ये सारा इसकी पिक लेके वो लगा सकते हैं कि आपको बार बार स्कैन अपना मोबाइल से ना देना पड़े QR कोड, तो आप ये लगा सकते हैं आपका मोबाइल सर्च करे वो अपने आपका QR कोड सर्च करे और आपको व्हाट्सएप कर दे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता यार, ये होता हमें खुशी होती है कि आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यार, तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।